पहाड़ी इलाकों में ऑटो संचालन की अनुमति नहीं है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में उतार चढ़ाव होने से इसके पलटने का खतरा बना रहता है। वहीं पौड़ी जनपद में यूपी बिजनौर का एक युवक अपने दोस्तों के साथ ऑटो लेकर ही बद्रीनाथ यात्रा पर निकल पड़ा है। जब आरटीओ की नज़र इस ऑटो पर पड़ी तो ऑटो चालक से पूछताछ की गई। फिलहाल आरटीओ ने ऑटो को सीज कर दिया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर के रहने वाले युवक ऑटो से ही बद्रीनाथ धाम के दर्शन के लिए जा रहे थे। वहीं परिवहन विभाग पौड़ी की टीम ने उन्हें शहर में रोककर ऑटो को सीज कर दिया है। परिवहन अधिकारी अनीता चंद का कहना है कि युवक उत्तर प्रदेश के बिजनौर में पंजीकृत ऑटो से सिद्धबली मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे थे और सिद्धबली से पौड़ी पहुंच गए। उनकी टीम के द्वारा जब शहर में चेकिंग की जा रही थी तो ऑटो को रोककर पूछताछ की गई। इस पर युवकों ने बताया कि वह उत्तर प्रदेश के बिजनौर के रहने वाले हैं और कोटद्वार के सिद्धबली मंदिर दर्शन करने आए थे और वहीं से बद्रीनाथ धाम के लिए भी जा रहे थे। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद है और पहाड़ी इलाकों में ऑटो प्रतिबंधित है।